नमस्ते बच्चों, साई राम। पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 उपकारी पेड़ इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू किया था। जो अधूरा रह गया था उसे हम आज पूरा करेंगे। तो आप अपनी अविरल पुस्तिका खोलिए और पृष्ठ क्रमांक 121 पर आइए। पेज नंबर 121। आगे यहाँ पर देखेंगे अभ्यास कार्य चौथा। समझिए और लिखिए। जैसा कि लिखा हुआ है समझिए और लिखिए, उसी तरह से हमने पहले पढ़ना है, उसे समझना है और आगे का हल करना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है किस तरह से करना है, उसे हम पढ़ते हैं फिर आगे का हल करते हैं प्रश्नों को। पहला देखेंगे पेड़ पौधे और उसका जवाब किस तरह से दिया हुआ है। पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे, इन दो शब्दों के बीच में एक शब्द और डाला हुआ है, वो है और। तो ये जो शब्द हमने डाला हुआ है यहाँ पर और, ये दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, जैसे पेड़ और पौधे। इसी तरह से हमने आगे का भी करना है। आगे बढ़ते दूसरा देखेंगे फूल पत्तियां। फूल पत्तियां और इसका जवाब है फूल और पत्तियां। फूल और पत्तियां। तो ये हमें समझ में आ गया है किस तरह से हल किया गया है। तो इसी तरह से हम आगे के प्रश्न को भी हल करते हैं। देखेंगे पशु पक्षी। पशु पक्षी, तो इसे किस तरह से करेंगे, पशु और पक्षी। पशु और पक्षी। अगला फल सब्जियां। जवाब है फल और सब्जियां। फल और सब्जियां। आगे बढ़ेंगे यहां देखेंगे अगला अभ्यास कार्य पढ़ेंगे पांचवा। समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। सही का निशान हमने टिक करना है। किस पर टिक करना है, हमने जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला उपयोगी और उसके साथ तीन ऑप्शंस दिए हैं, तो तीनों में से जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है, उस पर हमने सही का निशान लगाना है। उपयोगी, उपयोगी का सही अर्थ बताना है। पहला देखेंगे ऑप्शन नुकसान, लाभदायक, अनुपयोगी। तो उपयोगी का सही अर्थ क्या होगा, लाभदायक। उपयोगी, लाभदायक। आगे बढ़ेंगे दूसरा वायु। वायु अर्थात हवा। वायु, वायु का अर्थ है हवा। तीसरा देखेंगे शुद्ध। शुद्ध अर्थात साफ। शुद्ध, साफ। अगला सहायता। सहायता अर्थात मदद। सहायता अर्थात मदद। एक बार फिर से देखेंगे पहला उपयोगी। उपयोगी अर्थात लाभदायक। दूसरा वायु। वायु का अर्थ है हवा। तीसरा शुद्ध। शुद्ध का समान अर्थ साफ।
चौथा सहायता, सहायता का समान अर्थ मदद। इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बीच में एक वृक्ष दिया हुआ है और उसके दाएं और बाएं ओर चित्र दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, हमको करना ये है कि हमको बताना है कि वृक्ष से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो पहला चित्र जो है हमारे बाईं ओर देखेंगे, दरवाज़ा है, और दरवाज़ा किसका होता है, लकड़ी का। तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से। तो ये सही जवाब है। अगला चित्र जो है वो है कैंची, सीज़र। तो सीज़र पेड़ों से प्राप्त होता है, कैंची नहीं। तो इससे हम मिलान नहीं करेंगे। अगला देखेंगे फूल, पेड़ों से हमें फूल मिलता है, हाँ। तो यहाँ हम मिलान करेंगे फूल पर। अगला ईंट का चित्र है, ईंट से हम मकान बनाते हैं, लेकिन ईंट हमें वृक्षों से या पेड़ों से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं, ये मिट्टी से बनाई जाती है। तो यहाँ नहीं मिलाप करेंगे। अगला देखेंगे तोरण बनाया हुआ है पत्तों से, और पत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, वृक्ष से। तो यहाँ मिलाइए। अगला देखेंगे कुर्सी, तो ये भी हमें इसकी जो लकड़ी मिलती है पेड़ों से मिलती है। अगला घड़ी, बिल्कुल नहीं, घड़ी हमें वृक्ष से प्राप्त होता है, वृक्ष की किसी चीज़ से बनती है, बिल्कुल नहीं। अगला फल दिए हुए हैं, बिल्कुल सही, फल हमें वृक्ष से ही मिलते हैं। तो इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे, आप करिए साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला चित्र चिपकाइए या बनाइए। यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके हमने चित्र चिपकाने हैं या फिर चित्र बनाना है। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, और यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं। जैसा पहला दिया हुआ है गाजर, तो यहाँ हमने क्या किया है, गाजर का चित्र चिपकाया हुआ है। आप देखेंगे गाजर और गाजर का चित्र, आपने भी यही करना है, जो लिखा है अपनी पसंद का चित्र चिपकाना है। अगला आलू, और आलू का चित्र चिपकाया हुआ है। मूली, ये मूली का चित्र हमने चिपकाया है। आगे बढ़ेंगे अगली ओर, जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियाँ। अगला है हमारा जमीन के ऊपर जो सब्जियाँ उगती हैं उनके चित्र। पहला जो हमारा था जमीन के अंदर जो सब्जियाँ उगती है उनके चित्र थे, और ये है जमीन के ऊपर जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे टमाटर। यहाँ देखेंगे टमाटर, ये टमाटर का चित्र हमने चिपकाया है। भिंडी, यहाँ हमने भिंडी के चित्र चिपकाए हैं। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का चित्र चिपकाया है। आगे बढ़ते हैं अगले ओर, बेल पर उगने वाली सब्जियाँ। अच्छा, दो प्रकार की सब्जी हमने देख ली, एक जमीन के नीचे जो होती है मिट्टी के नीचे, एक मिट्टी के ऊपर जो होती है पेड़ और पौधों पे, और अगला ये जो है ये है जो क्रीपर प्लांट और क्लाइंबर प्लांट्स, अर्थात किसी पेड़ का सहारा लेकर या किसी चीज़ का सहारा लेकर जो ऊपर को चढ़ते हैं या ज़मीन पर आगे को फैलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेल पर, बेल कहते हैं। तो उसी पर, बेल पर उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहला है कद्दू, ये रहा आपका कद्दू का चित्र। अगला है घिया, अब देखिए यहाँ पर
घिया, घी को हम किसी और शब्द में कैसे बुलाते हैं? लौकी भी कहते हैं घिया को काफ़ी लोग, और दूधी भी कहते हैं घिया को। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, घिया, लौकी, दूधी, और अंग्रेजी में इसे हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए बेल पर लटकी हुई है, लटक रही है। आगे देखेंगे सेम सेम बीन, तो यहाँ जो हमने चिपकाया है उसी का चित्र है। कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमने पाठ पूरा कर लिया है, उसका स्वाध्याय भी कर लिया है, अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। आपको इसे एक बार पूरा दोहराना है, पढ़ना है, और अगली कक्षा में हम व्याकरण शुरू करेंगे, और व्याकरण होने के बाद हम रिवीजन पार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।